और उनको दर्शन करे नहीं, और वह यदि वेश मात्र धारण कर ले, माने सन्यासी वेश धारण कर ले, तो वह मिथ्याचारी है, उपासक सन्यासी वेश का लाभदायक नहीं है। इसलिए प्रयत्न ये करना चाहिए कि जब तक भजन में निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक तो वर्ण आश्रम धर्म इनका पालन करें और स्वरूप का उनका त्याग नहीं करें। फिर इसके बाद में निष्ठा के बाद में जो स्थिति आएगी, उस स्थिति में साधक यदि उन धर्म कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दे या न करे, दोनों ही स्थिति में वो रह सकता है। माने कुछ लोग संग्रह के लिए त्याग नहीं करते हैं और कुछ लोग संग्रह के लिए त्याग करके भी विराजमान हो जाते हैं। ये दोनों स्थितियां बन सकती हैं। सबसे पहले साध संग हुआ, फिर साध सेवा हुई, फिर श्रद्धा हुई, तीसरी चीज श्रद्धा, फिर चौथी चीज भजन की रुचि, फिर साधसंग, चौथी चीज साधसंग, फिर पांचवी चीज भजन में रुचि, फिर भजन में रुचि होने पर फिर से भजन क्रिया, भजन क्रिया होकर के अनर्थ की निवृत्ति। यहां तक तो साधक को कर्म करने हैं, श्रद्धा उत्पन्न हो जाने के बाद में यद्यपि उसका कर्म में अधिकार नहीं रहा है, तब भी वो कर्म करता रहेगा। श्रद्धा के बाद में ये उसकी इच्छा के ऊपर है कि लोक संग्रह के लिए वह सामाजिक जो व्यवस्था चल रही है, जो एक क्रम चल रहा है, जो प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस के अनुसार वो कार्य करे या न करे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे या न करे। जैसे जनक राजा महान ऊंचे पहुँचते हैं, फिर भी वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। श्री नंद बाबा दशरथ राजा जो परम प्रेमी होकर के विराजमान हैं, नृत्य पढ़कर भी, पर नृत्य पढ़कर होते हुए भी कर्मकांड का पालन करते। तो लोक संग्रह की दृष्टि से कर्मकांड करना ये भी उचित है, अथवा यदि त्याग कर दे तो उसको दोष नहीं है। साधन अवस्था की भी स्थिति ये है कि साधन अवस्था में भी यदि कर्म का उसने भगवत भजन के कारण त्याग कर दिया, सेवा में चित्त लग गया, ध्यान करने के लिए बैठे हैं और संध्या वंदन नित्य कर्म यज्ञ इनको भूल गए, तो उसको दोष नहीं है, क्योंकि देवता ऋषि इनका वह ऋण नहीं है, तो उसको उस समय भी दोष नहीं है। और यदि वो इनको करता है तो करने पर क्या अनन्यता में बाधा पड़ जाएगी, अन्याश्र हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसने पूर्ण निष्ठा श्रद्धा को धारण कर रखी है श्री राधा श्याम सुंदर ने, परंतु वो कर्मकांड दान यज्ञ तीर्थ इनको भी कर रहा है, परंतु इन तीर्थ को करते हुए लक्ष्य उसका ठाकुर ही है, इसलिए अन्य देवता की आराधना भी अन्याश्रय नहीं होगी। तो श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में फिर कर्म करने की छूटी है, जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तब तक कर्म अनिवार्य है। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए, परंतु उनमें कहीं लक्ष्य बुद्धि का त्याग हो जाएगा, ये लक्ष्य है जीवन का, उद्देश्य है, ये बुद्धि का त्याग हो जाएगा। इसके बाद में जब उसके हृदय में निष्ठा उत्पन्न हो गई, निष्ठा उत्पन्न होने पर फिर यदि वो कर्म कर रहा है तो निष्ठा होने पर कर्म करने पर वो कर्म कर सकता है, तब भी कोई परेशानी नहीं है, और यदि संन्यास ग्रहण कर लिया तब तो उसने कर्म का त्याग कर ही दिया है, तो संन्यास ग्रहण करने पर वो कर्म का त्याग भी कर सकता है। परंतु यदि
निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है और उसके पहले ही वो कर्म का त्याग कर देता है, इंद्रियों में आसक्त है और कर्म का त्याग करके विराजमान है, तो उसका ये आचरण मिथ्याचार कहलाएगा। अब सातवां श्लोक, यस्मिन्द्रियाणि मनसा, सन्यासी नहीं, यदि कोई गृहस्थ है परंतु भाई भावना के क्षेत्र में ऊंचा पहुंच गया जनक राजा जैसा, तो वो कर्म कर सकता है। सन्यासी तो सन्यास ग्रहण करेगा तो कर्म का त्याग करेगा ही करेगा, वो तो उसके उसके नियम में आ गए। सन्यास का मतलब ये है कि अब इसके बाद में मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं अग्नि को नहीं छूँगा, मैं हाँ वो तो सन्यास ग्रहण कर ले, हाँ फिर तो ये उसके प्रसाद में ये सारे नियम उसने लिए। मैंने सन्यास ग्रहण करते समय जब बिरजा हवन कर लेता है तो बिरजा हवन की एक पद्धति है, बिरजा हवन करने पर एक सन्यासी को वो उसके पहले ही मानो वो अपना श्राद्ध स्वयं कर लेता है, अपना श्राद्ध भी उसने स्वयं कर लिया, उसको अब पिंडदान की जरूरत नहीं है कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, इसकी भी उसको परवाह नहीं। इसके बाद में संन्यास ग्रहण करने के बाद में वो बिरजा हवन करने के बाद में दोनों हाथ ऊंचे करके वो ये कहता है कि हे पंच महाभूतो, यदि मेरा आपके ऊपर कोई ऋण है तो मैं आपको ऋण से मुक्त करता हूँ और आपको मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये संन्यास ग्रहण करने की पद्धति में एक पद्धति है, एक विधि है। और अब मैं देवता ऋषि पितृ इनको सबको प्रणाम कर रहा हूँ, अब आपका मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, मैंने आपके सारे ऋणों को मुक्त किया, अब मैं ब्रह्मचिंतन करूँगा। तो ये कहकर के वो देवता ऋषि पितृ इन ऋणों से को वो संन्यास ग्रहण करने पर वो मुक्त हो जाएगा। मैंने सन्यासी को अग्नि को छूने का अधिकार नहीं है, अग्नि को छूने को आपको छूने का अधिकार नहीं है, वो आपको छूता नहीं है, मैंने स्वयं अपने हाथ से रसोई नहीं करेगा, वो कहीं भिक्षा लेकर के ही मांग करके ही भिक्षा करेगा। साधु भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, वो तो शब्द स्पर्श रूप रसगन सबका त्याग करेगा, स्त्री संता स्त्री संभाषण का सबका त्याग। सही बात है कि मैंने बोल सकते अब संन्यास की जो स्थिति है वो संन्यास की स्थिति चार है, बड़ी सुंदर प्रश्न किया, उसमें भी संन्यास की स्थिति चार है। एक है कुटीचर, दूसरा है बहुतर, तीसरा है हंस और चौथा है परमहंस। इनमें कुटीचर सबसे पहली स्थिति है, कुटीचर का मतलब है कि कहीं कुटिया बना करके या कोई आश्रम है तो उस सन्यासियों के उस आश्रय में जा करके वो रहे, कि किसी आश्रम में जा करके वो रहे, वो हो गया कुटीचर। कुटी माने कुटिया बना करके जीवन का निर्वाह करने वाला, हैविंग ए हट, और वो अपने जीवन को कैरी ऑन कर रहा है, तो वो हुआ कुटीचर। कुटी माने हट, एच यू टी, हट बना करके वो रह रहा है। अच्छा, अब दूसरा हुआ बहुदा, बहुदा का मतलब है उसने कुटिया भी छोड़ दी, कुटिया में भी उसकी आसक्ति नहीं है, कभी इस पेड़ के नीचे आ गया, कभी उस पेड़ के नीचे आ गया, कभी वो उस पेड़ के नीचे आ गया। तो जब कुटीचर है उस समय तो थोड़ा बहुत वो कहीं स्पर्श करेगा, धन इत्यादि का भी स्पर्श करेगा, उस समय तो वो करेगा, परंतु जब आगे का उसका वैराग्य बढ़ जाएगा तो फिर वो उसका भी त्याग कर देगा, कुटीचर हो गया। फिर बहुदक हो गया, बहुदक माने नदी के किनारे बस पेड़ों के पास में गुफाओं में जाकर के रह लिया, वो हो गया कुटीचर। फिर इसके बाद में आया हंस, हंस में उस साधक की जो संन्यास के नियम हैं उनका भी त्याग हो जाता है। हाँ, परमहंस में वो अच्छा, तो इसमें भी थोड़ा सा नियम का त्याग हो जाता है। हंस में वो विचरण करता हुआ डोल रहा है, परंतु सब में उसका नील क्षीर विवेक रहेगा, दूध और पानी को अलग करने की कौन सी वस्तु सत्य है कौन सी असत है इसका विचार करेगा और केवल सब वस्तुओं को ग्रहण करेगा। परमहंस जो है वो कुछ भी कर सकता है,
कुछ भी कर सकता है, वो नियम अनियम सबसे परे, वो सबसे परे होकर के वो विराजमान, तो वो परमांश की स्थिति है, उसके लिए कोई नियम नहीं, उनसे परे हो जाए। और हंस की स्थिति में बाहरी वो क्रियाएं हैं उनका तो निषेध हो जाता है, और भीतर उसको सदा विचार करता है कौन सा हंस है परमांश है। वो अपन जो विचार कर रहे थे कि सन्यासी को ये चीज़ छूने का अधिकार नहीं है, वो चीज़ छूने का अधिकार नहीं है, उसमें ये है कि स्तर के ऊपर है वो, किस किस स्तर पर वो पहुँचा है वहाँ पर। परंतु परंतु यदि उस स्तर पर नहीं पहुंचा है और दिखावा करता है तो उसके लिए कह दिया मिथ्याचार, वो मिथ्याचार हो गया। ये हुए सन्यासी के बाद भक्ति की भी स्थिति यही है कि जब तक उसके हृदय में श्रद्धा नहीं हुई है तब तक तो कर्म करना अनिवार्य है। श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो वो कर्म का स्वरूप का त्याग नहीं करेगा, परंतु कर्म में साधन बुद्धि नहीं रखेगा, साधन बुद्धि का त्याग करेगा। कर्म करता रहेगा परंतु कर्म के द्वारा फल प्राप्त होगा, साधन है ये, साधन बुद्धि का त्याग कर देगा। जब उसके हृदय में निष्ठा उत्पन्न हो गई तो निष्ठा के बाद की जो सात चीज हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्यानुभव, ये जो सात स्थिति हैं, इन सातों स्थितियों में वो कर्म कर भी सकता है लोक संग्रह के लिए, जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अनुसार कर्म कर भी सकता है, और यदि नहीं करे तो उसको कोई दोष नहीं। दोनों हाँ, 40 की संन्यास की 40 थी। बाबा जी में ये दूसरी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ हाँ, देखिए बाबा जियों की दो स्थिति है, एक तो स्थिति जो है वो स्थिति है कि वैदिक नियम के अनुसार वेद मंत्रों के द्वारा संन्यास ग्रहण किया जाए, उसको कहते हैं लिंग संन्यास, माने दंड ग्रहण करने का मंत्र, भैरवास धारण करने का मंत्र, इनको धारण किया और विरजा हवन किया, यज्ञ किया और तब मुंडन करवाया, यज्ञ किया और तब उसने संन्यास ग्रहण किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, कटवा में जाकर के हवन करके पूरी विधि हो रही है और विधि करते हुए फिर शिखा सहित शिखा का मुंडन करा करके यज्ञोपवीत का त्याग करके उन्होंने दंड ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया, तो उस स्थिति को कहते हैं लिंग संन्यास। उस तो ये हुआ शास्त्रीय श्रौत संन्यास, इसको कहेंगे हम श्रौत वैराग्य की विधि, श्रुति के अनुसार प्राप्त होने वाली वैराग्य की विधि। अब एक दूसरी जो विधि है वो विधि है कि जहाँ विरक्त संन्यास होकर के ग्रहण किया गया, वो शौक नहीं है बल्कि वो बाबाजियों की परंपरा है। बाबाजियों की परंपरा में साधक जब गुरुदेव के पास में गया तो गुरुजी उसको लघुटी धारण कराएंगे, उसने गुरुजी को शरणागति की तो गुरुजी उसके उसको कमर में गांठ बांधेंगे, तो दाएं ओर गांठ मार बांधेंगे और उसको लघुटी देंगे, तो लघुटी पहनेगा, उससे त्याग करेगा, तो बहिर्वास देंगे, फिर योग पट्ट भी देंगे, परंतु उसमें कोई कर्मकांड की शास्त्रीय विधि या हवन इत्यादि नहीं है, तो उसको कहते हैं परमहंस संन्यास। ये वैष्णव परमहंस विधि, तो दो विधि है, एक बाबा जी की विधि है
है बाजपन की थी और दूसरी है वो है श्रवण संन्यास की विधि। तो श्रवण संन्यास की विधि में कोई यज्ञ करते हुए फिर यज्ञ ग्रहण किया जाएगा। और बाबाजी की विधि में जब गुरुदेव के पास में गया शरणागति ग्रहण की और उसने कहा कि मैं वैद्यनाथ पेश लेना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति पेश लेना चाहता हूँ भेद संन्यास जिसको कहते हैं, एक हुआ श्रवण संन्यास और एक हुआ भेद या देश संन्यास। तो उस देश संन्यास में श्री गुरुदेव उसको पौती देंगे, उसको बहिर्वास देंगे, योग पट्ट देंगे मैंने कंधे का दुपट्टा देंगे, उसको भावना प्रदान करेंगे और श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र से या श्री राधा कृष्ण मंत्र से उसको वो लघोटी प्रदान करेंगे। उसको लघोटी रहना कहते हैं, लघोटी प्रदान करेंगे वो भेद। तो उस भेद में कर्मकांड की विधि नहीं है। अब वो जो स्थिति है वो भेद जब प्राप्त कर लिया तो भेद धारण करने के बाद में भी वो व्यक्ति फिर कर्मकांड करने का अधिकार नहीं रहा, वो कर्मकांड नहीं करे कोई परेशानी नहीं है, कर्मकांड वो नहीं करेगा। यज्ञों पर भी उपहार के लिए रख सकता है और भेद में यज्ञों पर भी धारण के लिए रख सकता है, परंतु संन्यास यदि उसने भेजा है उसको किया है तो उसको फिर अपनी बाहर नहीं होगा मरने पर। मरने पर उसके परमपद प्राप्त होने पर उसको अंत संस्कार उसका नहीं हुआ, उसको या तो समाधि दी जाएगी या जल प्रवाह किया जाएगा, क्योंकि वो स्वयं अग्नि रूप हो गया है। संन्यास जब उसने ग्रहण किया था तो स्वयं अग्नि रूप हो गया, परंतु वैष्णव जितने भी बाबा जी हैं उन सबों को कहीं दहाकर उनका उनको अग्नि ही अग्नि संस्कार ही उनको प्राप्त करते हैं। बाबा जी जो 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 मैं वो भी बताई ना, एक तो बताई श्रौत संन्यास की विधि, तो श्रौत संन्यास की विधि में तो अपने कर्म नहीं होगा और वैष्णव जितने भी संन्यास हैं बाबा जी हो गए हैं जिन्होंने भेद धारण किया है तो भेष संन्यास उस भेष संन्यास में वे गई। अब भेष संन्यास की दो प्रकार का है, शुरू शुरू में गुरु जी देते हैं कच्ची लघोटी और एक होती है पक्की लघोटी। बाबा जी हमें कच्ची लघोटी उसका नाम है कि जब यहाँ रहोगे तब तो भैया यहाँ पर रहो हमारी तरह से, और फिर कभी कभी तुमको काम की याद आए तो भैया जा रहे हो तो उस समय तुम काम भी जा सकते हो, अपने घर भी जा सकते हो। अब घर में जब जाते हैं तो फिर मैंने वो धोती वोती पहन लेते हैं, यहाँ पर रहेंगे तो बाबा जी देश में, अब गांव में जब जाएंगे तो अभी उनको पूरा संन्यास नहीं दिया है उन्होंने गुरु जी ने, पूरा गाँव ही नहीं बनाया, शुरू शुरू में परीक्षा करने के लिए कुछ अभ्यास डालने के लिए उसको विरक्त पेश किया है, उसको कच्ची लघोटी कहते हैं। वो कच्ची लघोटी में खुद सी शिथिलता भी है, परंतु पक्की लघोटी हो जाएगी तब तो फिर बाबा जी की तरह से ही रहना पड़ेगा। ये तो भेद संन्यास और श्रौत संन्यास, ये दो संन्यास हो गए। अब वो जो श्रौत संन्यास है उस श्रौत संन्यास की चार स्थिति बताई, कुटीचर बहुधर हंस और परमहंस, ये चार स्थिति। और इनमें भी इनके इन बाबा जियों में भी कहीं कच्चे और पक्के, कच्ची लोगों की और पक्की लोगों की वाले का नियम क्या है, क्या वो मतलब प्रेम करेगा क्या करेगा नहीं करेगा वो नहीं करेगा वो मेरा करेगा नहीं, उसके लिए मैंने उससे पाबंदी क्या नहीं, पाबंदी तो उसकी यही है माने तुम विषयी जनों के साथ में विषय का भोग नहीं करो, एक एक सचोरी पाबंदी। और गुरु जी ने जो नियम बताए थे उन नियमों को पूरा पता पालन करो, माने जैसे माला करनी है जितनी 16 या 32 जो भी माला करनी है, अब ये 16 माला का कहीं शास्त्र में उल्लेख तो नहीं है परंतु महापुरुषों से शुरू से सुनते आए कि 16 माला तो करनी चाहिए।
तो फिर तो इतनी नियम इतनी माला नियम की उसको करनी चाहिए, इतनी माला तो नियम की बैठ करके करनी चाहिए। इसके बाद में जितना करे उतना करे और फिर अपना सारा जीवन जो है वो माधुरी लेने का अधिकारी हो जाएगा। वेश धारण कर लिया है तो उसको माधुरी लेने का अधिकार हो जाएगा। कहीं भिक्षा मांगने का माधुरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गुरु जी ने जो नियम बताए जितने प्राय सोलह माला का नियम बताते हैं तो सोलह माला का नियम तो करना है। सोलह माला का जो नियम है वो तो बहुत छोटी सी बहुत सागर हरे हरे करते हैं, हरे 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 करते आम आदमी कर लेता है तो कुछ कितना नहीं। सोलह माला में करके कौन को दो घंटा लगता है। हाँ अच्छा जल और डेढ़ कम लगता है तो करीब करीब छः मिनट में या सात मिनट में एक माला हो पाती है। सात मिनट में करते एक माला हो पाती है तो मन पर वो संख्या की है। कहीं भजन भजन में तो मन लगता है फिर और मन तो भागता ही है। पर नियम नियम पूर्ति करनी चाहिए, नियम पूर्ति करनी चाहिए, नियम पूर्ति करते कर लेना तो पर वो माने आचार ढंग से चल ये करें। नहीं बाबा जी को बाबा जी होल ऑल टाइम बाबा जी को बाबा जी मिलने के लिए वो उसको माला की है। वो फुल टाइम बाबा जी बनेगा मन को टेम्पररी बाबा जी हाँ तो ये बात तो अलग है। अब ये बोल वो जाने अपन टाइम सोचे अपन तो ये सोचे अच्छा ये बाबा जी है भैया बंदनी तो बंदी। आखिर में उसने इतनी हिम्मत तो की, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर छोड़ के आ जाऊँ। वो घर छोड़ करके आया तो है तो कहीं ना मुझसे तो बेहतर ही है। ये विचार रखने के लिए वो अच्छी बात तो नहीं है परंतु उसने छोड़ी की हिम्मत तो की भाई चालू नहीं कर अच्छी बात नहीं है। वो तो और भी ज़्यादा बुरी बात है। ये तो कहेंगे मान किसी ने धैर्य जा किया बहुत बड़ा किया और करके छोड़ा ये और भी ज़्यादा बड़ा किया वाली बात वो वाली बात है। तो वो तो मान यदि वो तो उसका तो शास्त्र ने निंदा की पांत भोजी वो तो खाकर के उल्टी उल्टी को खाने वाला है। बमन को खाने वाला है तो वो तो बिल्कुल तो यस्तन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभ देव जन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त सब विशेष्य होते हैं। बोले जो असक्त होकर के माने संसार में आसक्त न होकर के इंद्रियों को मन के साथ में वश में करे, केवल इंद्रियों को वश में नहीं बल्कि मन को भी वश में करे और फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करे। मन कर्म कर रहा है कर्म का त्याग नहीं कर रहा है, कर्म का त्याग नहीं कर रहा है। असक्त सब विशेष्य है वो कहीं विशेष है। इसमें दो तीन चीज़ हैं कि तावत कर्माण कोई तो नंदेवता मत कथा श्रवणादोगा शुद्धा यावन में जाएगी। एकादशी स्कंध में जो कहा कि कर्म कब तक करे एक सीमा बता दी। तावत का मतलब है कि लिमिट बता दिया कि यहाँ तक कर्म करेंगे इसके बाद में कर्म नहीं करेंगे। जब तक न निर्विद्य दिया होता कर्म से उसका निर्वेद नहीं हो जाए, निर्वेद माने कर्म में उसकी आसक्ति समाप्त नहीं हो जाए, निर्वेद माने आसक्ति का अभाव, तब तक वो कर्म करें। अथवा मत्कथा श्रवणादोगा मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब भी कर्म का त्याग करें। कर्म में अभी आसक्ति छूटी नहीं हुई परंतु ये कृष्ण कथा में श्रद्धा हो गई तब भी कर्म का त्याग किया जा सकता है। कोई करेगा नहीं क्योंकि आसक्ति जन है कि नहीं, श्रद्धा अभी बनेगी कि नहीं, इसलिए सुरक्षित ये है कि कर्म करते रहना चाहिए परंतु कर्म में कर्म बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अब इसमें ये देखा गया कि जो महापुरुष हैं बड़े बड़े पुरुष वे भी स्नान दंत धावन कभी कभी संकल्प
ये नियमों को करते हैं। अपवित पवित्र सर्वासान रूपये शुचि ही ऐसा कहकर के केशवाय नमक ऐसा कहकर के आचमन करते हैं, भीतर बाहर की शुद्धि करते हैं। तो भाई ये नाम से सब कुछ हो रहा है तो काय को कर्मकांड कर रहे हो, आचमन क्यों कर रहे हो, स्नान क्यों कर रहे हो, संकल्प क्यों कर रहे हो? तो उसमें वे संतगण ये विचार करते हैं और ये विचार भी करना चाहिए कि यद्यपि नाम में कोई कमी नहीं है, नाम तो महान शक्तिशाली है, पर नाम भगवान मेरे शरीर के तुच्छ व्यक्ति के ऊपर काय को अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए मुझे मेरा जो कर्म है उस कर्म को करते रहना चाहिए। मैं पाप से बचने के लिए और सत्गुण को अपने हृदय में उत्पन्न करने के लिए मुझे जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को मुझे करते रहना चाहिए। तो सत्गुण को प्राप्त करने के लिए, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए और जो रजोगुण तमोगुण है इल्यूजन और जो इग्नोरेंस है उसको दूर करने के लिए मुझे सात्विक गुणों का सेवन करते रहना चाहिए। क्योंकि श्री हरिनाम यद्यपि ओमनी पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर शक्तिशाली होने पर भी हरिनाम मेरे ऊपर काय को अपना प्रभाव डालेंगे, मैं तो हरिनाम का अपराधी हूँ। ये विचार करके एक भक्तगण कुछ कुछ जो कर्मकांड और धर्मशास्त्र उसका पालन करते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति भी धर्मशास्त्र का पालन करते हैं, जो परमहंस स्थिति में पहुँच के उनकी स्थिति है और उस अत्यंत परमहंस स्थिति में पहुँचने पर जब त्रिगुणातीत दशा में वे पहुँच गए हैं उस समय उनकी बात अलग, वो एक एक्सेप्शनल केस है। और कहा जाता है कि उस दशा में पहुंचने पर एक योगी भी 21 दिन से ज़्यादा जीता नहीं, जीता नहीं है। 21 दिन के बाद में उसका वो जो एकदम परमन से और सारे मन न भोजन का विचार है न खाने का विचार है, खाना पीना सब छूट गया है, तो फिर वो ज़्यादा जीत है। उसके कर्मकांड जब तक प्रारंभ चल रहे हैं तब तक वो जीवित है, इसके बाद में वो समाप्त हो जाए, वो उसका शरीर अपने आप छूट जाए। अब जैसे कोई ब्रह्मचिंतन करते हुए पड़ा हुआ है गंगा जी किनारे न खा रहा है न पी रहा है न स्नान कर रहा है, यहाँ तक मलमूत्र भी उसके समाप्त हो गए हैं, कौन उसके ऊपर पैर रख करके चला गया, कौन उसके ऊपर थूक रहा है उसको परवाह नहीं, वो ब्रह्मचिंतन में पड़ा हुआ है। तो ऐसी जो दशा है परम परमहंस की जो दशा है वो जो दशा है वो ज़्यादा नहीं होती, तो वो स्थिति जो होती है तुर्यगा अवस्था के बाद में वो तुर्यगा या तुर्य अवस्था, वो तुर्य अवस्था या तुर्यगा अवस्था जो है वो उसमें कई का दर्शन भी किया तुर्य अवस्था वाले मैंने बिल्कुल मत अलम मत मतते हैं और कोई चीज़ नहीं, कहीं से भी उठा के खा लिया, हाँ कोई हाँ बस वो उनकी उनकी दशा। तो कर्मेंद्रिय कर्मी योगम हाँ हाँ इसको करना ही पड़ेगा, आदमी भी करना पड़ेगा, ये तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये करना चाहिए। और ये विचार करते हुए कि यदि हम विधि के साथ में हरिनाम को ले रहे हैं तो श्री हरिनाम ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, जैसे हाँ जैसे कोई दवाई ले रहे हैं उसके साथ में विटामिन की गोली नीली पीली और ले रहे हैं, लाल पीली गोली और ले रहे हैं, तो दवाई और ज़्यादा प्रभाव करेगी। मेडिसिन के साथ में एक और डॉक्टर ने मुख्य मेडिसिन दी और उसके साथ में कुछ लाल पीली गोलियाँ और दी, तो वे गोलियाँ भी उस दवाई के प्रभाव को और बढ़ाने वाली हो। इसी प्रकार यदि थोड़ा सा कर्मकांड किया गया और वर्णाश्रम धर्म माने शुद्धि अशुद्धि इनका विचार रखा गया तो उसका अधिक प्रभाव अधिक अच्छा, वो तो करना चाहिए करना चाहिए, वो तो उसकी भी
परंत मुख्य जो लक्ष्य है वो मुख्य लक्ष्य कहीं हरि नाम के ऊपर ही है, अन्य के ऊपर नहीं। दोनों चीज सुंदर है। तो जो ऐसा कर रहा है इंद्रियों के साथ में मन को वश में करके जो कार्य कर रहा है वो विशिष्य थे, वो एक विशिष्ट व्यक्ति है, उसकी महिमा ज्यादा। अब नियतम पूर्ण कर्मत्व कर्म ज्यायो न कर्मणा शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धिये अकर्मणा। अब यहां पर भगवान जी कह रहे हैं कि यद्यपि कर्म करने का अधिकार श्रद्धा के उत्पन्न होने पर छूट जाएगा, भगवत भक्ति में जब श्रद्धा हो गई तो कर्मकांड का उसका अधिकार नहीं है, जो सांख्य में पहुंच गया है उसको फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी नियतम को कर्मत्वम तू शास्त्र ने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार ही कर्म कर, नियतम को कर्मत्व। कर्म ज्यायो या कर्मण, क्योंकि कर्म न करना कर्म को कर नहीं रहे हैं और भजन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो स्थिति है ये सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। हाँ बिल्कुल भयावह स्थिति, भयावह स्थिति। तो नियतम को कर्मत्व, शास्त्र ने जो वर्णाश्रम धर्म बताए हैं उनका तुम पालन करो। कर्म ज्यायो, कर्म अधिक श्रेष्ठ है, अकर्म कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कभी भजन आया नहीं और कर्म त्याग कर दिया तो पाप आकर के दबा लेंगे, जब तक भजन रहेगा तब तक तो पाप नहीं दबाएंगे और नहीं तो पाप आकर के दबा लेंगे। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम कर्म करो, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना, कर्म माने निष्काम कर्म करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने से बंधन हो जाए, सकाम कर्म शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धे अकर्मणा। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो कर्म न करने पर शरीर यात्रा को चलाना भी कठिन हो जाएगा। शरीर यात्रा का मतलब है कि अपने जीवन के लिए जो खर्चा चाहिए वो खर्चा तो कहीं कहीं से निकालना ही पड़ेगा, इसलिए निष्काम होकर के कर्म को करना ही पड़ेगा। शरीर की यात्रा भी चलानी है, माने शरीर को सुरक्षित भी रखना है, तो भी कर्म करते हुए विराजमान होना पड़ेगा। तो ऐसा न करने पर इसलिए जो सहज कर्म हैं उन जन्म के शरीर के साथ में जो कर्म उत्पन्न हुए हैं उनमें भले दोष हो फिर भी उनको करते रहना चाहिए। कर्म ज्यायो है कर्म, कर्म अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, अकर्म की अपेक्षा कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, मन कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। कोई ये कहे कि हम कल भी तो नहाए थे और एसी रूम में बैठे हैं, कहीं बाहर तो गए नहीं है, आज क्यों नहाए, तो फिर मैं उस दिन भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि भले बाहर से कहीं गंदगी नहीं आई है पर भीतर जो गंदगी थी वो तो कहीं ना कहीं बाहर निकलनी रही है। ऐसी स्थिति में कर्म को करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रा भी, तो शरीर की यात्रा, शरीर की यात्रा का मतलब है कि जीवन का निर्वाह करने के लिए कहीं ना कहीं कर्म करने पड़ेंगे, तो शरीर की यात्रा करते हुए भी विराजमान, शरीर की यात्रा कुछ न प्रसिद्धे अकर्मणा। जब कर्म नहीं करोगे तो शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि खाना पीना स्नान ये तो सर्वदा सर्वदा उपयोगी है ही, खाना पीना स्नान ये तो शरीर की यात्रा चलाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उचित समय पर सोना ये भी उपयोगी है, कम से कम 5 घंटे की नींद तो आनी ही चाहिए,
बड़े बूढ़ों को भी, और हम तो उसका फिर कठिनाई है कम से कम, परंतु इतने में फिर शरीर स्वस्थ हो जाए, इतने में शरीर स्वस्थ हो जाए। ज़्यादा नींद भी सोते हैं, अब बुढ़ापे में ज़्यादा नींद आती भी नहीं, परंतु कम से कम इतना हाँ है, हाँ हाँ बस तो शरीर को बैटरी चार्ज करने के लिए इतना तो समय ही साउंड स्लीप आ जाए तो वो बस नहीं आती है तो माने इसका मतलब है कहीं कहीं तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, कोशिश करनी चाहिए निश्चिंत होकर के सोने का प्रयत्न करते हैं। वो नींद तो जब आएगी तब आएगी, नींद आएगी तभी कहीं ना कहीं माने वो शरीर जो है वो शरीर स्वस्थ होते हैं। तो युक्त युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट करने की युक्त स्वप्नावबोधस्य उचित रूप में स्वप्न उचित रूप में अवबोध ये तो होना ही चाहिए। तो योग जो है वो योग तब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो उचित भोजन शरीर के निर्वाह के लिए, उचित नींद और उचित वर्णाश्रम धर्म इनका भी पालन यथोचित करने चाहिए। शरीर यात्रा के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी जितनी आवश्यकता है उतना इनका पालन करना ही चाहिए। अब यज्ञार्था कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेयो मुक्त संघ समाचरे। यज्ञ का तात्पर्य है कर्तव्य पालन करते हुए कर्म करना। यज्ञ का तात्पर्य है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो केवल हमारा अपना ही प्रयास का फल नहीं है। एक छोटी से छोटी चीज को हमने जो प्राप्त किया है उसमें न जाने कितने लोगों का दिमाग लगा होगा। एक छोटा सा बटुआ है ये, पर इसको भी बनाने में न जाने कितने लोगों का तो आविष्कार लगा है और कितने लोगों का परिश्रम लगा है। हम जो कुछ भी हैं उसमें देवताओं का भी योगदान है, उनमें हमारे माता पिता का भी योगदान है, उनमें हमारे गुरुजनों का भी योगदान है, हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स और जो डिवाइन एनर्जी है सबका ही कुछ न कुछ योगदान है। इसलिए इन तीनों के ऋण हमारे पास में है ही। तो ये विचार करते हुए कि जब इनका हमारे ऊपर ऋण है हम इनसे ऑब्लाइज्ड हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको भी अपनी उपलब्धि में से कुछ शेयर करें। ऐसी स्थिति में देवता पितर और ऋषि इनके लिए कुछ न कुछ यज्ञ करना। यज्ञ करने का मतलब है कि हमारे पास में जो संपत्ति है अर्निंग और एसेट्स हैं उन अर्निंग और एसेट्स में से कुछ न कुछ उनको दिया जाए। ये ही भावना इसी भावना का नाम है यज्ञ। तो इन यज्ञ में मूल रूप से हमारे ऊपर कृपा करने वाला वस्तु जो है वो है ईश्वर। मूल कार्य है कृपा ईश्वर की। ईश्वर की शक्ति फिर देवता और ऋषियों में जो अन्य में भी आई है, देवता ऋषि के पास इन तीनों में जो शक्ति आई है वो भी ईश्वर से ही आई है। तो यज्ञ शब्द का मूल अर्थ होगा भगवान। यज्ञेश्वर यज्ञ माने भगवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। हमारे कर्म किसी न किसी तरह से भगवान के साथ में जुड़े हुए होने चाहिए, लिंक होने चाहिए भगवान के साथ। यहाँ तक कि हम जो भोजन दातुन स्नान शरीर की शुद्धि कर रहे हैं ये कर्म भी कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में जुड़े होने चाहिए। एक व्यक्ति स्नान कर रहा है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे शरीर में जो जर्म्स हैं वो दूर हो जाए। दूसरा व्यक्ति स्नान कर रहा है कि मुझे ठाकुर की सेवा करना चाहती है करने जाना है, इसलिए प्रात
वस्तुओं का जो संपर्क हुआ है उसको दूर करके अब चिन्मय शरीर चिन्मय भावना को धारण करते हुए प्राकृतता को दूर करने के लिए मैं स्नान कर रहा हूँ। इस भाव को स्नान बोली है, परंतु दम का जो रिजल्ट है वो अलग हो गया, दोनों चीजों में अंतर हो गया। क्रिया एक है पर उनका मोटिव सत्ता अलग अलग हो गया। एक का मोटिव यज्ञार्थ है और दूसरे का मोटिव, दूसरे का जो लक्ष्य है वो यज्ञार्थ न होकर के अपने भोग को रिज्यूम करना, अपने भोग को प्राप्त करते रहना, यह उसका लक्ष्य हो गया। तो यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र, ये कह रहे हैं कि यदि हम कोई भी कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं तब तो वो कर्म बंधन देने वाला नहीं होगा, और यदि उस कर्म को हमने अपने लिए किया तो अपने लिए करने पर वह बंधन को देने वाला हो जाएगा। तो यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त यदि कोई कर्म किए जाएंगे तो वो कर्म बंधन देने वाले हो जाएंगे। तदर्थम कर्म कौंते, और इसलिए उसके लिए हे कौंते श्री भगवान के लिए तू कर्म का मुक्त संग समाचार और आसक्ति का त्याग करते हो कि मुझे ये कर्म करके ठाकुर जी को समर्पित करना है। मैं जो दुकान मकान नौकरी सारा परिवार चला रहा हूँ वो परिवार ठाकुर की सेवा के, इससे मुझे जो कुछ भी अर्निंग होगी उस अर्निंग को मैं भगवत सेवा के लिए, वो मोक्ष है मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूँ, ऐसा विचार करते हुए जब व्यक्ति कर्म करेगा तो अपने कर्म को उल्टा सीधा नहीं करेगा। मुझे ठाकुर को इस कर्म को समर्पित करना है ये विचार करने पर उसके कर्म में जो परफेक्शन है वो अपने आप आ जाए, उसके कर्म में परिपूर्णता श्रेष्ठता अपने आप आ जाएगी। कि हाँ ठाकुर जी को समर्पित करना है, ऐसा उल्टा सीधा करके ठाकुर जी को समर्पित करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, पर उनकी प्रसन्नता नहीं होगी। तो फिर वो जो अपना जो भी कार्य कर रहा है, मान नौकरी दुकान मकान जो कुछ भी कर रहा है उसको भी बड़ी योग्यता के साथ में उसने पूरी अपनी स्किल को डुबो करके, अपनी क्षमताओं को डुबो करके वो कर्म करेगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देगा। ये विचार करते हुए कि बढ़िया से बढ़िया रसोई मिले बने, तो जो गृहिणी है वो पति को समर्पित करने के लिए बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाती है, पति को समर्पित करती है कि पति की प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार एक सेवक भी सर्वोत्तम कर्म करके कर्म करेगा। इस प्रकार भक्ति मार्ग यह कर्म से या कर्म की स्किल, कर्म की कार्यकुशलता उसको घटाने वाली चीज नहीं है, भगवत भक्ति से कार्यकुशलता उनकी और बढ़ेगी, स्किल और बढ़ेगी। इसके समर्पण करने के लिए कर्म किया जाएगा तो जब हम अपने सामान्य इमीडिएट बॉस जो है उसको ही पसंद करने के लिए अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, तो जो ठाकुर को करना है समर्पित करना है उसके लिए तो हम और भी अधिक चतुराई के साथ में, पूरी योग्यता के साथ में तब उस कार्य को करेंगे, क्योंकि वो तो मालिक का भी मालिक। तो यज्ञार्थ कर्म करने पर बंधन नहीं होगा, और यदि यज्ञार्थ कर्म उन्होंने नहीं किया, अपने लिए कर्म उन्होंने किया, तो कहीं ट्रेड यूनियन की भावना आ जाएगी कि कर्म के अनुसार वेतन के अनुसार काम, यदि वेतन नहीं तो काम नहीं। तो संसार की जो स्थिति है वो ये है कि वो ये कहता है ठाकुर से कि मारे कर्म करूंगा तो जितना मैंने कर्म किया है उससे ज्यादा फल दूंगा, यदि इतना नहीं देते हो तो उतना तो अवश्य लूंगा जितना मैंने कर्म किया है, यदि उससे कम दोगे तो मैं भी जितना दोगे उससे भी कम कर्म करूंगा, और यदि नहीं दोगे तो कर्म भी नहीं करूंगा। तो जितना आपने दिया उससे ज्यादा आपकी सेवा करूं, ये हो गया निर्गुण। जितना आप दे रहे हो
उससे उसके अनुसार कुछ अधिक ही कर्म करके आपको दूंगा, ये हो गया सात्विक। जितना दिया है उससे कम काम करके दूंगा, ये हो गया राजस। और दिया नहीं है तो कर्म भी नहीं करूंगा, ये हो गया तामस। ये कर्म विनोद और भावी ने कुछ इस तरह से व्याख्या इसी श्लोक की। तो यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए कर्म किया जाए, माने ठाकुर ने जितना हमको दिया हम उनको लौटा रहे हैं, परंतु यज्ञ करते हुए भी जो दे रहे हो उससे ज्यादा प्रेम के कारण हम अधिक से अधिक जो भी हमें सामर्थ्य है सब आपको समर्पित करें। वेतन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रेम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, पुरस्कार में वेतन ले रहे हैं, ये एक भावना है। फिर वेतन के अनुसार कार्य करना, ये हो गया सात्विक। वेतन ज्यादा लिया कर्म कम किया तो ये हो गया राजस। और वेतन नहीं तो कर्म भी नहीं, ये यदि विचार किया तो ये तो बिल्कुल तामस होगी, ये तो दंड की बात है। इसलिए भगवत भक्ति में ट्रेड यूनियन नहीं चलेगी, ट्रेड यूनियन जो एटीट्यूड है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सेवा की जो प्रवृत्ति है वही मुख्य रूप से सरलता समझ चलेगी। तो हम ठाकुर को समर्पित करने के लिए कर्म करें, यदि अपने लिए और वेतन के लिए कर्म करेंगे तो दो हो गया कर्म बंधन, हमारे कर्म बंधन को देने वाले बन जाएंगे। तदर्थ हम कर्म पहुंचते हो, इसलिए हे कुंती के पुत्र तू श्री कृष्ण के लिए कर्म कर। जैसे कुंती जी ने कृष्ण की सेवा करना ही मुख्य लक्ष्य माना, कौंते कहने का मतलब है कि जैसे कुंती कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनसे दुख भी मांगती हैं कि विपदा संत न सश्वत तत्व जगत गुरु हमको विपत्ति प्राप्त हो, तेरी दादी की तो ये तेरी माँ की तो ये स्थिति थी, तो माँ का बेटा है कुंती का पुत्र है, इसलिए कम से कम वो भाव तो रख के ठाकुर की सेवा के लिए ठाकुर का प्रेम मिले इसके लिए कर्म कर। कौंते ये जो संबोधन है वो जो केंद्रीय जो उनकी भाव है श्री कृष्ण के प्रति उसकी वो संकेत करने वाला है। मुक्त संघ समाचार, अब कर्म करने पर कर्म का फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसकी परवाह नहीं, फल को ध्यान में रखकर के कर्म नहीं, तेरी जितनी योग्यता है उस पूरी योग्यता को कर्म में उड़े। मुक्त संघ, मुक्त संघ का तात्पर्य है कि अपना ये कर्म का फल मैं भोगूंगा इस बात को छोड़कर कर्तृत्व बुद्धि फल बुद्धि इन दोनों का त्याग करके निष्काम कर्म करते हुए तू विराजमान। मुक्त संघ समाचार, अब अलग अलग जो वर्ण आश्रम धर्म हैं उनके लिए अलग अलग कर्म बताए गए। इनमें शास्त्र के जो वेद कर्म हैं उन वेद कर्मों को हम करें। विधि उसे कहेंगे जहाँ पर नियम नहीं है उस नियम की जो स्थापना करे, अनियम में नियम की स्थापना करे उसका नाम है विधि। अनियमे नियम कारिणी या अप्राप्त प्रापिका विधि, विधि की एक परिभाषा है कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराए तो उसका नाम है विधि। मान शास्त्र ये विधि नहीं कहता है कि भोजन करो श्वास लो, ये कोई विधि थोड़ी है, ये तो नेचर से ही प्राप्त है। श्वास तो हम अपने आप ही लेंगे, भोजन अपने आप करेंगे, परंतु आज एकादशी है आज भोजन नहीं करोगे, ये प्राप्त अप्राप्त जो वस्तु थी उस अप्राप्त वस्तु को जो प्राप्त कराए उसका नाम विधि है। जो वस्तु सहज प्राप्त है या स्वभावता प्राप्त है या रागता प्राप्त है उसका निषेध नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करो
ये विधि है, क्योंकि काम्य प्रवृत्ति तो जीव की स्वाभाविक है। इसलिए विधि उसे कहेंगे कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसका नाम विधि है। जैसे अग्नि अतंत दहन करती है, ईंधन का जो हिस्सा नहीं जला है अग्नि उसको ही जलाएगी, जो जला हुआ है उसको नहीं जलाएगी। ऐसे ही विधि हमेशा जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है उसका विधान करती है। अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि होती है। मौन धारण करो, दिन भर बड़बड़ कर रहे हो तुम, परंतु आज 6 बजे से 6:30 बजे तक संध्या के समय बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आधे घंटे का मौन धारण करेंगे, चाहे फोन आए चाहे मोबाइल आए, जवाब नहीं देंगे, वो होगी विधि। एकादशी है उसका पालन करो, ये हो गई विधि। तो अप्राप्त प्राप्त का विधि है। श्री हरि नाम भी सबको स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं था, परंतु शास्त्र ने कहा हरिनाम लो तो हरिनाम हो गया। एक विधि अप्राप्त थी, कृपा के द्वारा हरिनाम प्राप्त हो गया, तो उसको हम कहेंगे विधि। पर वो विधि में भी उसकी महिमा जो बताई गई वो महिमा अर्थवाद नहीं है, वो बढ़ा चढ़ा करके नहीं कही गई है। अर्थात अर्थवाद उसे कहेंगे जहां पर निंदा या स्तुति समाप्त हो गई उसके आगे निंदा और स्तुति की जाए, उसका नाम है अर्थवाद। राजा जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये 3 गांव का जमींदार है, बस इसके आगे जमींदारी वसूल करने की इसकी 3 जिले, 1 जिले के भी 3 गांव का ये राजा है। परंतु उस जमींदार की जब स्तुति करने के लिए कोई भाट आएगा तो कहेगा आहा हे जगदीश, आप तो जगत के नियंता हैं, हे पृथ्वीपाल, हे रक्षक, जय हो जय हो। अब ये पृथ्वीपाल काजों का जा रहा है, ये अर्थवाद हो गया। जितना है उससे ज्यादा यदि वर्णन किया जाएगा तो उसको हम अर्थवाद कहेंगे। निंदा प्राशस्त शेषे, निंदा प्राशास्त्यंतर कथनम अर्थवाद, जहां निंदा समाप्त हो जाती है या स्तुति समाप्त हो जाती है फिर भी निंदा करना फिर भी स्तुति करना, उसका नाम अर्थवाद। श्री हरिनाम में ऐसा नहीं है, इसे हरिनाम में कभी भी अर्थवाद कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अजी साहब नाम लेने से पाप कैसे निवृत्त हो जाएंगे, पाप की निवृत्ति तो प्रायश्चित करने से होगी। इसलिए हरिनाम इतना तो कर सकता है कि हमने जो प्रायश्चित किया उनमें जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करके प्रायश्चित की ताकत को बढ़ा दे, प्रायश्चित में जो ताकत है कर्मकांड में जो ताकत है वो कर्मकांड की ताकत को लाए। गलत, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। हरिनाम में स्वतः ही इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत का उतना प्रयोग नहीं कर रहे थे, पाप को दूर करना कौन सी बड़ी बात है, ये विचार करते हुए ही श्री हरिनाम का हमको आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो हरिनाम में अर्थवाद कल्पना नहीं करनी है, अर्थवाद कल्पना करना यह कहीं नामापराध हो जाएगा। हरिनाम को एक सामान्य विधि भी नहीं समझना चाहिए, सामान्य विधि केवल शरीर के लिए होती है, जबकि हरिनाम परम लक्ष्य श्री भगवत चरणारविंद माधव के प्रेम सेवा उसको प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हरिनाम एक पुण्य कार्य है ये भी नहीं है। जहाँ नामापराध दिखाए वहाँ पर एक नामापराध है नाम में अर्थवाद कल्पना, एक नामापराध है नाम को सामान्य कोई संकर्म समझना, जैसे दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ऐसे नाम भी एक कर्म है ऐसा मानने में ये भी अपराध है। नाम साक्षात भगवस्वरूप है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को संकेत है कि यज्ञात कर्मण्यत्र के यज्ञ करना, ठाकुर की सेवा करना, ठाकुर का नाम लेना ये मुख्य लक्ष्य है, यह केवल एक सीमित वस्तु नहीं है, यह असीमित है। और
उन भगवान की प्रीति के लिए हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म बंधन को देने वाला नहीं होगा, परंतु यदि अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म किया तो लोकोयम कर्म बंधना, हाँ ये संसार कर्म के बंधन में ही बांधने वाला हो जाएगा। हमारे कर्म ठाकुर की प्रीति के लिए होने चाहिए, हमारे कर्म अपने सुख के लिए नहीं होने चाहिए, ये निष्कर्ष की बात है। तदर्थम कर्म कौंते मुक्त संग सदाचरण, इसलिए हे कौंते हे अर्जुन के पुत्र, मुक्त संग होकर के आसक्ति से रहित होकर के, तदर्थम माने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए तू कर्म कर। निष्कर्ष रूप में यज्ञ का तात्पर्य है हमको जो कुछ भी प्राप्त है उसमें जिन जिन का भी योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको भी हम कुछ न कुछ सब्सक्राइब करें, उनको भी हम कुछ न कुछ प्रदान करते हुए विराजमान हूँ। इनमें सर्वाधिक योगदान है, मुख्य योगदान है श्री कृष्ण, इसलिए हमारे सारे कर्म कृष्ण के साथ में लिंक्ड होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, कृष्ण के साथ में हम अपने कर्मों को जोड़ करके करें। यदि हमने उन कर्मों को किया और उनका फल अपने अहम का पोषण करने के लिए या अपने सुख के लिए ही यदि वे कर्म किए गए तो हमें कर्म बंधन की प्राप्ति होगी। इसलिए तदर्थम माने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए, हे कुंती के पुत्र तू कर्म कर, जैसे तेरी माँ ने दुख को भी वरदान के रूप में मांगा था, मुक्त संग होकर के आसक्ति से मुक्त होकर के उन कर्मों को तू कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन पुष्पिष्यध्वम एष वो सृष्टि कामकर। पहले ब्रह्मा जी ने सह यज्ञा कर्तव्यों के साथ में प्रजा सृष्टा, प्रजा की रचना की, जीव की जब रचना की तो जीव से ये आशा की कि इसको मैं कुछ स्वतंत्रता दे रहा हूँ और यह कुछ कर्म करे। ब्रह्मसूत्र हैं द्वितीय अध्याय ब्रह्मसूत्र का, उसमें कहा गया कि कृत प्रयत्नापेक्षा विधि प्रतिषेधयो अव्यर्थात व्यश्च, ईश्वर ने हमको प्रयत्न की अपेक्षा रख करके बनाया है, अर्थात हमसे ईश्वर की ये कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ अभिलाषा है कि हम कर्म करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में ईश्वर ने हमारी रचना की है और हमको कुछ स्वतंत्रता भी दी है। यदि बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती तो सारे दोष ईश्वर को लगेंगे। जैसे एक सिपाही ने राजा की तरफ से ये सामर्थ्य स्थापित की गई कि वो ट्रैफिक का कंट्रोल करे, परंतु यदि सिपाही कुछ कुछ उसको निज स्वतंत्रता भी दी गई, अब यदि अपनी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए ही यदि वो घूस लेने लगे, वसूली करने लगे तो वो दंड का भागी होगा। ऐसे ही ईश्वर ने हमको प्रयत्न करने की अपेक्षा करते हुए बताया, कुछ स्वतंत्रता भी दी, यदि उस स्वतंत्रता का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे। और ये कहकर के हम नहीं छूट सकते कि जो कराओगे वो तुम कराओगे, ऐसा हम कहकर के छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें कार्य करने की शक्ति दी है, पर शक्ति करने के साथ साथ कुछ स्वतंत्रता जो दी है उसका अनुसार अपने डिस्क्रिमिनेशन के अनुसार हमको कार्य करना है, कुछ न कुछ कार्य हमको अपने ढंग के हिसाब से करना चाहिए। एकदम हम यदि ईश्वर एकदम अब उसमें ये सामर्थ्य है कि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता है, यदि वो सामर्थ्य नहीं दे तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं,
परंतु फिर भी उसने कुछ न कुछ हमको सामर्थ्य दी हुई है, स्वतंत्रता भी दी हुई है, इसलिए हमें उसके विधान के अनुसार स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है। यदि हम उसके नॉर्म से अलग हट करके, उसकी विधि से अलग हट करके यदि कोई कार्य करते हैं तो फिर हम दंड के भागी हो जाएंगे। और ये कहकर कि हम नहीं छूट सकते हैं, बुरा करवा रहे हो वो भी तुम करवा रहे हो, अच्छा करवा रहे हो तुम करवा रहे हो, ठीक है शक्ति दी है तुमने परंतु उसका सदुपयोग करने की योग्यता तुमने दी है। बिजली के तार में विद्युत की धारा बह रही है परंतु उसका तुम दुरुपयोग करते हो कि सदुपयोग, छुओगे तो मरोगे, यदि उसको ही पंखा के साथ में चलाओगे तो हवा खाओ, एसी खाओ, एसी की ठंडक लो। तो ईश्वर ने सामर्थ्य दिए है परंतु तुम सदुपयोग कर रहे हो दुरुपयोग कर रहे हो ये तुम्हारी, इसलिए ईश्वर ने इस कार्य करने की क्षमता के साथ में जगत की प्रजा की सृष्टि की। और उवाच प्रजापति उसने मनुष्यों से कहा कि अनेन पुष्पिष्य भ्रम, मैंने जो शास्त्र की विधि बताई है उस विधि के अनुसार तुम कार्य करो, एष वो सुष्ट काम गृह, यदि मेरे बताए हुए संविधान के अनुसार तुम कार्य करोगे तो एष वह सुष्ट इष्ट काम गृह, तो ये तुमको इष्ट अभिलाषाओं को प्रदान करने वाला होगा। इसके द्वारा तुम इष्ट अभिलाषाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम मेरे शास्त्र के अनुसार बताओ। और ऐसी स्थिति में यज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि देवान भावयता नहीं नोते देवा भावयन्तु वः, तुम यदि देवताओं को आदर दोगे तो देवता भी तुमको आदर प्रदान करेंगे। परस्परम भावयन्त श्रेयम परम अवाप्स्यतः, इसलिए तुम देवताओं का आदर करो यज्ञ करो और देवता तुम्हारा यज्ञ करते हुए विराजमान होंगे। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को आदर देने पर दोनों ही परम अवाप्स्यतः, दोनों को ही सुख प्राप्त होगा। यदि हम इंद्र को बलि प्रदान करेंगे तो इंद्र वर्षा करके प्रजा को बलि दे, वर्षा करेगा प्रजा को खेती की प्राप्ति होगी, तो दोनों दोनों का पालन कर रहे हैं। दिलीप के विषय में कालिदास ने यही बात कही कि दिलीप ने तो इंद्र की यज्ञ के द्वारा इंद्र का पालन किया और इंद्र ने वर्षा करके दिलीप और उसकी प्रजा का पालन किया, इस प्रकार एक दूसरे का पालन करते हुए दोनों दोनों की रक्षा कर रहे थे। यदि दिलीप यज्ञ नहीं करता तो इंद्र बेचारा भूखा मर जाता और यदि इंद्र वर्षा नहीं करता तो प्रजा भूखी मर जाती, इसलिए परस्परम भावयन्तः। यहाँ पर भी कोई जो भाव है इसी भाव को लेकर के कालिदास ने कहा था और वो परस्पर जो भाव है उसी भाव को यहाँ पर कह रहे हैं परस्पर भावयन्तः, कि यज्ञ के द्वारा हम किंचित स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए ईश्वर की आराधना करते हुए विराजमान हों, निष्काम कर्म करें तो निष्काम कर्म करने पर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि कर्म हमने नहीं किया तो माया हमको कभी भी आकर के घेर सकती है, इसलिए हमको अपना कर्म करना है। पर कर्म करने में तीन सावधानी रखनी है, एक ये कि मुझ में जो ताकत आई है वो अपनी नहीं है, ठाकुर ने दी है, दूसरी बात ये कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मुझे इस कर्म का फल अपने लिए नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, अपने लिए चाहेंगे तो बंधन होगा, और तीसरी बात कर्म किया है तो कुछ न कुछ तो बंधन होगा, एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा, ऐसी स्थिति में कर्म करके कर्म को भगवान को समर्पित करना है। बोलो नाम बिहारी।